गाड़ियां ले जाने लगे पुलिस प्रशासन की मदद से। जब भी चढ़ गया तो कर्जदार भी जूता मार रहे हैं। अरे रे, तो मोदी सरकार की जय हो। लेकिन बहुत है अंधे नगरी के चौपट राजा मिला के कि बार जैसी बरी को मूसर जैसा भर रो मार। तो आप फिर इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? अरे हो गया, कभी ट्रक नहीं लेने का सोचा आपने? लिया था। अरे पर में लगाम नाम की चीज नहीं है। हाँ, कि मतलब किसी भी चीज की लगाम लगाई है। 100 घर ऐसे कि जिनके पास मकान के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। 100 रुपए 150 रुपए की मजदूरी करने वाला है आदमी जी, 4 रिश्तेदार पिछड़ा वर्ग के आदमी तो खत्म हो जाएंगे। सही बात है। उत्तर प्रदेश के प्रभारियों को अधिकार नहीं गाड़ी खड़ी करने का। नहीं नहीं, अपन हाथ पैर जोड़ लिया भैया कि कब जाने दो जो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। भाई आयशर का सबसे पहले बताऊं, 18 टायर, मतलब 16 टायर, 8 × 2 = 16। और एक हिसाब से आप कह सकते हो कि 16 टायर में जो दूसरे ट्रक आते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा दमदार, और मतलब दिखने में तो दमदार जितना ही सही, पावर में भी उससे ज़्यादा दमदार ट्रक है भाई ये। इसकी फ्रंट से प्रोफाइल देख लो, कितना खूंखार दिखता है ये। ये है आयशर प्रो 6048। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन मैं आपको इसकी बता देता हूँ। मतलब इसमें जो इंजन मिलता है ना भाई, 7700 cc का इंजन है, 260 hp की पावर दे रहा है भाई वो, 1000 Nm, मतलब 1000 Nm का टॉर्क। 1000 Nm का टॉर्क बहुत होता है ऐसे 16 टायर के लिए, तो इसमें बहुत ज़बरदस्त पावर, बहुत ही ज़बरदस्त पावर मिलती होगी। और कंपनी के द्वारा 3.5 किलोमीटर का इसका माइलेज क्लेम होता है, बाकी भाई से पूछेंगे कितना क्या माइलेज ये निकाल के दे देती है। 80 की इसकी भाई मैक्स स्पीड होती है, 6 सिलेंडर इंजन है ये। बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी डीजल टैंक वगैरह ये सब 10x2 XL कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये ट्रक है। कैपेसिटी की अगर बात करें तो जो ग्रोस व्हीकल वेट है इसका, पूरा ग्रोस व्हीकल वेट है इसका 47,500 kg। बाकी पावर स्टीयरिंग वगैरह आता है, अंदर चल के अब बात करते हैं, है ना। और अंदर चल के है ना, अब एक बार मैं ट्रक की आपको प्रोफाइल दिखा देता हूँ। फ्रंट प्रोफाइल तो मैंने आपको दिखाई दी भाई। क्या नाम लिखते हैं आप, क्या नाम लिखते हो? मेरा आनंद कुमार। आनंद भाई बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पे। ये देखिए, ये इस तरफ की प्रोफाइल है। आनंद भाई थोड़ी बहुत चीज़ें तो बता सकते हो ना। ये बैटरी है, नीचे एयर प्रेशर दे रखा है इसका, और यहाँ पे पानी वगैरह डलता है इसका, कूलेंट वगैरह। और उधर आप देखेंगे तो फिल्टर पाइप दे रखा है, एयर फिल्टर। और बाकी ये देखिए इसकी पूरी बॉडी है, बॉडी भी अच्छी है, ऊपर से लकड़ी की बॉडी है, वहाँ से इतने एरिया की, इतने एरिया की लकड़ी की बॉडी है ये पूरी। और ये देखिए टायर, और सबसे अच्छी बात भाई इसकी जो कबानी है बड़ी ह्यूज है यार। कबानी के नीचे का मतलब बड़ा दमदार, मेरे को लग रहा है बहुत ही दमदार ट्रक है। और ये दोनों टायर उठते हैं क्या इसके? दोनों उठ, इसीलिए ये जो सिलेंडर जो लगा रखा है कितना हेवी है भाई ये, है ना, ये दोनों उठ जाते बेहतरीन। ये बताना आप अंदर चलेंगे तो कहाँ से उठते हैं? होता ही नहीं है। अच्छा, इनका यूज होता ही नहीं होगा, लेकिन काफी बड़े सिलेंडर है भाई। मैंने ट्रक में देखे छोटे छोटे से सिलेंडर होते, एक बार और जाके दिखाऊं आपको, ये देखिए कितना हेवी सिलेंडर है भाई। वो कबानी सेटअप देखो आप, कबानी इतनी मोटी मोटी लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कबानी लगी हुई है भाई। मतलब बेहद पावर के मामले में आयशर ने इस बार वाट लगा दी, बहुत खतरनाक पावर है इस ट्रक में। और ये बॉडी बहुत बड़ी लग रही है ये। आनंद भाई, आनंद भाई बॉडी के इसकी कितने फिट की बॉडी है ये? अंदर चल के अंकल से बात करेंगे, टेंशन मत ली भाई। क्या इस ट्रक पे अभी आपको 1-2 महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी अपन लोगों को इन्फॉर्मेशन जितनी निकल पाएगी उतनी तो बता ही देंगे पूरी। और भाई ये 375 लीटर का आता है ना इसका, ये 375 लीटर का इसका फ्यूल टैंक, और कितना बड़ा है क्लियरली देख सकते हैं। ये इसका पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम है। अब मैं अंदर चलता हूँ, अंकल जी से भी आपको मिलवा देता हूँ और थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं उनसे, थोड़ी बहुत जो जानकारी। अभी अंकल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो मैं इस तरफ से जाके एक बार अंदर से ट्रक आपको दिखाऊंगा। बाकी आनंद भाई आप कब से हो, मतलब 15 दिन हो गए इस ट्रक पे? 15 दिन हुए ना ड्राइवर फील्ड में, तो बहुत पहले से हो गए ना। पहले कितना टाइम हो गया? मेरे को हो गया 8 साल हो गया ड्राइवर। 8 साल से? इसके पहले कौन से ट्रक चलाते थे? मैं तो अभी सीख रहा हूँ। अच्छा, अभी आपको चलाना नहीं आता? अभी आप आता है, उतना नहीं आता, ट्रेन नहीं हूँ। ट्रेन नहीं है आप? अंकल ट्रेन होंगे तो अंकल के पास चलते हैं। पहले तो ये देखिए भाई, यहाँ पे ये इसकी क्वालिटी अंदर से भी बहुत प्यारी है और बाहर से भी बहुत दमदार है। और ये कि इतना बड़ा ट्रक होने के बावजूद चढ़ने का बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, सिंपल सीढ़ियों टाइप 1 2 3। और ये मैं चढ़ गया अंकल के पास। अंकल जी क्या नाम लिखते हैं आप? नंद किशोर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैंने अंकल को डिस्टर्ब कर दिया। अंकल और आनंद भाई जो है नंद से, अंकल आनंद खाना खा रहे थे अभी। खाना वाना सब हो गया अंकल? क्या बना के खा रहे थे? सब्जी रोटी। अभी आप खुद ही बनाते हैं बस, है? ये ट्रक अभी आप कितने टाइम से चला रहे हैं? 2-3 चक्कर हो गया मेरे को। 2-3 चक्कर हुए
तो जिस हिसाब का अंकल इसमें पावर है, इतना दमदार है, कैसा लगा आपको चलाने में? इसके पहले कौन सा चलाते थे आप? इसके पहले टाटा चलाता था। टाटा, और इसमें कितना फर्क लगा अंकल? टाटा में और इसमें, टाटा भी दमदार गाड़ी है लगती है, लेकिन इसमें घाट पहाड़ चलने में एकदम ऐसा लगता है कि जैसे प्लेन में चलते हैं, है ना? हाँ। क्योंकि बहुत ज्यादा पावर दे दिया इन्होंने इसमें। मस्त गाड़ी चलती है घाट पहाड़ में, समझ में नहीं आता कि माल हम लोग लेके चल रहे हैं। हाँ, ये पुराना ट्रक होगा काफी, 2019 मॉडल है, थोड़ा ऐसे गंदे भी हो रखा है, लेकिन डैशबोर्ड फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सजावट वाले आ गए भाई लोग, ऐसे घूमते रहते होंगे ये लोग, तो सजावट करवा लो इनसे, है ना? आप अपने पैसे से कराते होंगे, जो ड्राइवर भाई लोग कराते हैं? हम कराते नहीं है, सेठ के दरवाजे पर कराते हैं। अच्छा, सेठ के उस पर कराते हैं। अच्छा, ये गियर का क्या बता रहे थे आनंद भाई? कितने का गियर होता है? 10 गियर का है ये। अच्छा, ये 10 गियर का है, डबल न्यूट्रल की गाड़ी। डबल न्यूट्रल, डबल न्यूट्रल क्या होता है ये? मतलब न्यूट्रल ये है कि मान लो आपने एक से लेके चार तक लगाया, फिर चार के बाद इसको ये मानना पड़ता है, तो फिर इसके बाद 5, 6, 7, 8 गियर लगती है। अच्छा, चार के बाद इसे मारना पड़ता है? अरे तो वो तो बड़ा मारिक मामला है, वो आना चाहिए। वो भी करना है तो हर कोई नहीं चला सकता मतलब इसे? नहीं नहीं, वो 10-5 किलोमीटर ड्राइवर है, सब चला लेते हैं। अच्छा, सब लोग चला लेते हैं, कोई भी हो। क्या बात है, ये इसका केबिन भी अच्छा बड़ा है, मतलब आप दोनों आराम से सो जाते होंगे। कपड़े वपड़े आप लोगों ने टांग रखे, ये पंखा लगा रखा है, एसी वैसे तो नहीं आता होगा इसमें? एसी गरम करने सब कुछ है। अरे एसी दे रखा है इसमें, सब कुछ है, चालू है, सब चालू है, एसी पूरा, ये वेंट वेंट सब। अरे अभी छिंदवाड़ा में पानी गिरा था, हाँ, अच्छी ठंड लगी थी, पूरा भींग गया था, इसको बंद किया, साथ में एसी चालू किया, फेंकने लगा गरम एसी। हाँ, अरे एसी चालू किया, मस्त तुम्हारे परे रहे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये काफी दमदार ट्रक है इसकी, क्योंकि 16 टायर ट्रक है। कितना पासिंग आता है इसी? पासिंग ये 35 टन के आसपास, 35 टन के आसपास पासिंग है। हाँ, अभी आप लोग एक महीने से चला रहे हैं, इसके पहले दूसरा ट्रक मान लो अभी महीना भी नहीं पूजा है। अच्छा, महीना भी नहीं पूजा, तो आपने एक हिसाब से अपनी नौकरी को शिफ्ट करा है? हाँ, अभी तो प्रेजेंट टाइम में हाई है। हाई नहीं, इसके पहले जहाँ आप करते थे वहाँ अंकल क्या सैलरी मिल जाती थी आपको? वहाँ अपन को सैलरी मिलती रही, मान को तो अपन बालू में चलाते रहे, वहाँ पे हाईवा चलाते थे? नहीं, बाड़ी गाड़ी चलाते रहे वहाँ पे, 5,000 प्रतिदिन मिलता था, प्रतिदिन। हाँ, उसमें खर्चा, अच्छा उसी में खर्चा वर्चा सब, तो 30-40 हज़ार रूपए पड़ जाता होगा महीने का? 35-40 हज़ार। यहाँ पे क्या पड़ रहा है अंकल? यहाँ पे तो ठीक ही ठाक है, राम भरोसे। मतलब यहाँ पे 25-30 मान? नहीं नहीं नहीं, 25-30, 20 पुजाना मुश्किल है, 32,000। तो आप फिर इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? अरे हो गया, अब नहीं पटी सेठ से भगा, प्राइवेट नौकरी है। अच्छा, ये भी प्राइवेट है? हाँ, तो सेठ से मामला जमा नहीं आपका, इसलिए यहाँ आ गए? जम रहा था, आदमी बढ़िया था, वो लेन देन में थोड़ी सी किचड़ पिचड़ कर रहे थे। अच्छा भाई, काम करे हमको जरूरत है, मांगेंगे यार, एक बार मांगे, दो बार, 10 बार मांगे, नहीं मिलेगा। सही बात है, इतना परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी लंबा लंबा चलते हो घर बार बहुत दिन में। घर में तबीयत खराब रही, पैसा अटका, 15-16 हज़ार रुपए मिला था, दिया नहीं तो अपने का भाई अपन ही करेंगे काम। हाँ, तो मतलब फिर आप ये मान के चलो आधी सैलरी की नौकरी कर रहे हो आप फिर अभी, उससे आधा पेमेंट। फालतू बैठने से तो अच्छा है? बिल्कुल, फालतू बैठने से तो बिल्कुल बहुत अच्छा है कि कुछ ना कुछ करा जाए, रोटी खाने घर की टोलने से कम से कम कमा के खा रहा है आदमी। अंकल जैसे आप जैसे ड्राइवर कब से हो आप? मैं वही 95 से ड्राइवरी। और बाप रे बाप, 23 और ये तो 28-29 साल, मतलब ये तो कलाकार है आप तो फिर, मतलब ड्राइवर लाइन के आपने ऑल इंडिया घूमे हुए आप तो, घाट घाट का पानी पिया अंकल आपने, तो कभी ट्रक नहीं लेने का सोचा आपने? लिया था। अरे कौन सा? यही 12 चक्का लिया था, बॉडी गाड़ी, अभी लॉकडाउन में भी बिकन दी। 12 चक्का लिया था बॉडी गाड़ी, कौन सा? टाटा का। टाटा का। अरे यार फिर क्या हो गया, फिर क्यों बेचना पड़ा? लॉकडाउन में खड़ी हो गई, पैसे नहीं पूछ पाया उसके किस्त देने के लिए। तो ये लॉकडाउन में अंकल ये जो फाइनेंस वाइनेंसर थे माने नहीं गए, इनको किस्त चाहिए थी रेगुलर? नहीं, बोला था, जानकारी ये मिली थी कि टैक्स माफ कर देगी सरकार, और जो किस्त है तो जो ड्यू हो रही है खड़ी खड़ी गाड़ी में तो अगली किस्त में एडजस्ट कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया? अरे यार अंकल, कितना पैसा फंस गया था आपका उसमें? फंस गया 12-13 लाख रुपए के घाटे पे चल रहा है। अरे रे, नहीं जब घर पैसे नहीं बचे तो क्या करेगा, बिकनेगा? सही बात है, बिकनेगा कि मालूम बाल बच्चे भागने लगे। अरे सही बात है, सही बात। मोदी सरकार के में तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है, अच्छी सरकार चली है। समस्या इस बात की कि इस सरकार में लगाम नाम की चीज नहीं है। हाँ। कि मतलब किसी भी चीज की लगाम लगाई जाए। हाँ। तो इस सरकार में लगाम नाम की चीज नहीं, बेलगाम की सरकार है ये। हर चीज में लगाम होना चाहिए, किसी भी ना किसी चीज। हाँ। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें लगाम होना चाहिए, कि मतलब हर बस्ती में कम से 50 घर ऐसे हैं, 100 घर ऐसे हैं कि जिनके पास मकान के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब आप ये मान लो, आप इसको क्या मानते हैं, 100-150 रुपए की मजदूरी करने वाला आदमी जी, चार रिश्तेदार आ गए तो 1 किलो तेल खरीदने में उसको
बड़ी तकलीफ होती है कि मान लो किस तरीके से मान लो उनका स्वागत किया जाए। बहुत बड़ी बात कही अंकल आपने, ठीक है ना जी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार ने इसमें लगाम नहीं रख चुकी। तेल हो गया, आटा, गेहूँ मार्केट में चलो सरकार देती है, चलो ठीक है देती है, जिस दिन सरकार बंद कर देगी तो पिछड़ा वर्ग के आदमी तो खत्म हो जाएंगे। सही बात है, हरजन है, आदिवासी है, बिल्कुल बिल्कुल, छोटी वर्ग का है, हाँ, क्या करेगा वो इंसान, तो निपट जाएगा। ये सब चीजें है, हाँ, तो बगैर करे ठिकाना नहीं है, बगैर करे ठिकाना नहीं है, करने करने की खेती हम लोगों की, हमारे पास भी घर के अलावा कुछ भी नहीं है, यही है अपनी खेती बाड़ी। घर बैठ जाएंगे तो लड़के बच्चे भूखे मरने। अभी लड़के बच्चे, कितने लड़के बच्चे हैं आपके? एक बालक एक बच्ची है। क्या करते हैं वो लोग? पढ़ते हैं अभी। पढ़ा रहे हैं आप उनको? हाँ, ये अच्छी बात है कि आप मेहनत करके कम से कम उनको पढ़ा तो रहे हैं। प्राइवेट में दोनों पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे। कहाँ के रहने वाले हैं अंकल आप? मैं सलेहा कटरा, गांव है मेरा सलेहा, कटरा, कटरा ग्राम, कटरा पोस्ट सलेहा, पन्ना जिला, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। आप भी वहीं के? तो अच्छा, आप चाचा का लड़का है मेरे। अच्छा, ये सीखने आए हैं? ये ड्राइवर फील्ड में क्यों आ गए? अंकल तो बहुत तजुर्बेकार है भाई, बहुत खतरनाक चीज है। खेती बारी है नहीं हम लोगों के पास जी, किसी का नौकरी करने 5,000, 7,000, 4,000 के अंगड़े देने को तैयार नहीं। सही बात है। पढ़े लिखे भी नहीं है, हाँ। मान लो उतना ज्यादा, थोड़ी बहुत काम चलाऊ पड़े हैं जी, कौन नौकरी देगा? तो कम से कम ड्राइवरी करके 10-15 हजार रुपए तो कमा रहा है आदमी। सही बात है, सही बात। लेकिन अंकल ये व्यक्ति है, आपको फिर परेशानी भी तो कितनी उठानी पड़ती है ड्राइवर को? रात दिन बाल बच्चे छोड़े परदेश में डले, कोई भरोसा नहीं घर कब पहुंचते नहीं पहुंचते, और उसके बाद आरटीओ पुलिस और इनकी दादागिरी और इन सब चीजें, ये अलग। नहीं नहीं वो उतना परेशान नहीं करते, लेकिन गलत करोगे तो गलत के लिए तो प्रशासन है ही है। नहीं, जैसे मैं ज्यादातर ड्राइवर भाइयों से पूछता हूं, तो जैसे वो बोलते हैं राजस्थान में आरटीओ है, वो थोड़ा ज्यादा परेशान करता है ना भाई। आरटीओ को परेशान इसलिए नहीं करना चाहिए, सरकार है ना। जैसे मान लो अपने एमपी की गाड़ी है जी, उत्तर प्रदेश जा रही है जी, बॉर्डर क्रॉस करके यदि गाड़ी जा रही है तो उत्तर प्रदेश के प्रभारियों को अधिकार नहीं गाड़ी खड़ी करने का। सही बात। यदि अधिकार उनको गाड़ी खड़ी करने का है तो फिर ये बॉर्डर का बैरियर किस काम का? सही बात है, सही बात। अवैध काम क्रॉस हो जाए तो फिर वो काम किस काम का है? बिल्कुल सही बात है। बॉर्डर यदि हमने क्रॉस किया तो मतलब क्लियर है जी, तब ना बॉर्डर से क्रॉस किया। बिल्कुल बिल्कुल। बॉर्डर के अलावा जाने में भी मान लो परेशान कर्मचारी लोग करें, हाँ, तो गलत है। गलत है। जैसे हमारे से कोई भाई भी लेते राजस्थान वाले, वो बोल रहे थे कि कुछ जैसे आरटीओ वाले पैसे लेते हैं तो पर्ची वर्ची नहीं देते हैं, या फिर नकली पर्ची टाइप दे देते हैं, ये पैसा उनकी जेब में जाता है, गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। भाई पर्ची देते इसलिए, यदि 5,000 की पर्ची सोचते 2,000 में निपट जाए तो 5,000 हम काय को दें? तो 2,000 उनकी जेब में जाता है सूखा सूखा। बराबर सीधी सी बात है। भाई पर्ची जब प्रशासन पर्ची काट के देती है कि ओवरलोड का, किसी का भी चलान का जी, यदि वो पर्ची ओवरलोड की नहीं काटती, यदि ले दे के निकला तो वो तो पर्सनल जी बजावा ही करेगा। सही बात है। ऐसा अगर ये कभी लूट वूट ऐसा कुछ सामना करना पड़ा आपको, इसकी परेशानी तो नहीं होती है? क्यों होती है बहुत जगह। नहीं नहीं, अपन हाथ पार जोड़ लिया भैया की निकल जाने दो, जो समझ लो बात खत्म। पटना का जा रहा है। अच्छा, आपका फोन आ गया था तो कहीं जा रहे हैं आप बुकिंग? ये काहे पे चलता है अंकल ये ट्रक ज्यादातर? अब भेज रहे हैं हरदा से लोड होना, मालूम नहीं क्या लोड होना है। अच्छा, मतलब अभी आपको पता नहीं ज्यादातर काहे पे चलता है? कच्चे माल पे चलता है क्या? नहीं नहीं, कच्चे माल पे नहीं चलता। तो फिर क्या? उधर से सीमेंट आती है, इधर से जो भी मिल गए आगे लुगर दारू मुर्गा जो भी। अच्छा, तो भाड़ा वाड़े का कोई आइडिया है आपको? इसका भाड़ा का वो ही होगा मान लो पटना। जैसे आप अभी ये सीमेंट कहाँ से लेके आए? ये सीमेंट लाए मैहर रिलायंस से। कितना पड़ता है वो भोपाल? और वो 4,500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर यहाँ तक सीमेंट आने का क्या भाड़ा होगा अंदाजा? लगभग मान लो 45,000 रुपए। उसमें तो 20,000 खर्चा मान लो अपन, 20,000 का डीजल हो गया, मान के चलो 5,000 रुपए खर्च। 5,000 रुपए खर्च, मतलब सामने वाले सेट को 20,000 रुपए सूखा बच जाता होगा। 15 मान लो, 15 मोटा। और ये 2-3 दिन में ये ट्रिप पड़ी जाती होगी एसी? अरे उधर शाम के चलते हैं, सुबह यहीं आ जाते हैं। एक दिन में ट्रिप खत्म हो गई है? हैंड टू हैंड मान लो खाली हो जाए। सूखा ये मान के चलो सेट तो आराम से 1-1.5 लाख रुपए कमाता होगा। 3-3 जगह से बात चल रही है, ये ट्रांसपोर्ट से बात चल रही है आपकी बार बार। अच्छा, तो ये ट्रांसपोर्ट से माल सेट करवाती है फिर आपको करना पड़ता है? अपन लोग भी करते हैं। अच्छा, आप लोग भी करते हैं। किस ट्रांसपोर्ट से चलाते हैं ज्यादातर आप? कोई भी मिल गया। अच्छा, जो ट्रांसपोर्ट मिल गया है ना, माल अच्छा होना चाहिए, भाड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ, 5, 7, 8, 10 ट्रांसपोर्ट है, सभी के नंबर रखते हैं। अच्छा, मतलब आप भी मेहनत करते हैं उसके लिए? माल में संपर्क कर लिया। हाँ, फिर बाबूजी कहीं का माल हो, किस लाइन का माल है, फिर वो लोग बताते इस लाइन का माल है, इसका नहीं है, क्या भाड़ा है जी,
तो फिर उसने साहब जो अच्छा लगा अपन को उसने फिर डन कर लिया। अच्छा अंकल, जैसे कभी लॉकडाउन नहीं लगता तो आप तो आपका ट्रक तो चला लेते हैं, जिस हिसाब से आप एक्सपीरियंस हो आप चला लेते हैं, नए इंसान के लिए कैसा कहना क्या कहना चाहेंगे आप? भाई इसके लिए छोटी पूंजी वाले थे जो थे वो निपट गए। अच्छा, जो मान लो 5-10 लाख रुपए वाले आदमी लंबा धंधा करके बैठ गए हैं उनकी तो नहीं पार हो गई। अच्छा, मतलब वो उनका नहीं लगा। अब जैसे आप एक्सपीरियंस हो, आपके 10 कॉन्टेक्ट है, पूरे इंडिया घूमे हो, सारे ट्रांसपोर्ट जानते हो, तो उस हिसाब से आप इसको चला सकते हो। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई लॉकडाउन में गाड़ी खड़ी खड़ी किस्त भी लग रही है। सही बात, चलो लॉकडाउन में नहीं बोला आदमी ने, लॉकडाउन जैसे बंद हुआ अगली पार्टी गाड़ी उठाने के लिए तैयार। सही बात, किस्त जो ने गाड़ी के जमा करो, टैक्स खत्म हो गया, गाड़ी टैक्स भी भरना, टैक्स भी बढ़ गया जी। इसके अलावा कोई चारा नहीं, आदमी 10,000, 20,000, 50,000 दोस्त यारों रिश्तेदार मित्रों से उठा उठा के जमा करता रहा करता रहा। सही बात है। ठीक, फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया। हाँ। दोबारा लॉकडाउन में वो दरवाजे पे खड़े हो गए, गाड़ी ही ले जाने लगे पुलिस प्रशासन की मदद से। सही बात, अब क्या करें, क्या करेगा इंसान, ले जाओ गाड़ी। सही बात, गाड़ी जाने के बाद 5-7 लाख रुपए कर्ज भी चढ़ गया तो कर्जदार भी जूता मार रहे हैं। अरे अरे, तो सोना चांदी जो भी रात थोड़ी बहुत जगह अगह रही सब इधर उधर से करके कहने के सबका कर्जा निपटा के फिर ड्राइवरी करने लगे। अरे, तो मोदी सरकार की जय हो, लेकिन बहुत बढ़िया सरकार, बहुत अच्छी है। नहीं, सरकार बहुत अच्छी नो डाउट, लेकिन आप कुछ चीजें हैं जो आपने बिल्कुल सही बोली है, कुछ चीजें हैं जिसमें सरकार इसमें लगाम नहीं लगा रही। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सरकार बेहतरीन। अच्छा अंकल, जैसे ये इतना बड़ा ट्रक, इसका मेंटेनेंस भी ज्यादा ही होगा, इसका तो खर्चा महंगा है। एक सर्विस इसकी 25-30 हजार की तो पड़ती होगी आराम से, है ना? एक आखिरी बार ये स्टार्ट करके दिखा सकते हैं क्या आप? बस ये फिर अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग भी निकलिए, काफी अच्छी बातचीत, काफी अच्छी जानकारी दे दी आपने। एक बार हॉर्न सुनने को दमदार जो साउंड आ रहा है उसका सुनना चाह रहा हूँ एक बार। ये तो स्टार्ट भी बड़ा ध्यान से करा जाता है ना। रुकना, अभी नहीं, अभी नहीं, आरपीएम घूम के जब वापस आता है। चलो करो, स्टार्टिंग मालूम है किस लिए हो रही है? हाँ। डीजल की कमी के वजह से। अच्छा, डीजल की कमी हो गई तो मैं गाड़ी में, इसलिए लेट स्टार्ट हुई है। नहीं, चाबी लगी तुरंत। अच्छा हाँ, एक बार हॉर्न बजाइए ना, उसका हॉर्न कैसा है? अरे के यार, ये ओरिजिनल वाला तो सुनाई नहीं देगा। सिटी हॉर्न है ये। अच्छा, सिटी हॉर्न है ये, आपने अलग से लगा के रखा है। सिटी के अंदर बजाने के अलावा नहीं है वो। अच्छा, बाकी बजाते रहते हैं। चलिए कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कहते ना अंधे नगरी के चौपट राजा। चलिए अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जानकारी आपने बहुत अच्छी दी। अरे बेहतरीन बेहतरीन, अभी चालू ही नहीं हुआ, मैंने पहले बेहतरीन बोल दिया। अब हुआ चालू, मतलब ये गर्मी में सुकून मिल जाता है आपको थोड़ा के। एसी भैया डीजल ज्यादा खाते हैं। अरे डीजल ज्यादा खाते, चालू करने में डीजल खाएगी। हाँ ये तो है, सेठ बोलेगा डीजल कहाँ गया। ये तो है, ये तो है। चलिए अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। चौपट राजा वाला सिस्टम है, बड़े मजेदार है आप, हर हाल में खुश रहने वाले इंसान। आनंद भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद भाई आपका भी, आपने जानकारी भी अच्छी दे दी हम लोगों को, और कभी हुई मुलाकात तो फिर मुलाकात करेंगे। तो गाइस, हाँ तो गाइस, ये थी हमारे भाई लोगों के साथ बातचीत। जो ट्रक तो ऐसी अकुल मिला के कि बार जैसी बरी को मूसर जैसा भर रो, मान ला बात पड़ जाए तो बाल की बरी की निकाल लेंगे। हाँ। नहीं चलने दो, सही बात, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सिस्टम चलता रहता है, सही बात है। तो गाइस, ये थी हमारी बातचीत भाई लोगों से, छोटी मोटी, ट्रक भी बता दिया, सब कुछ अच्छी डिटेल भी बता दी। होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।